सीधी मां मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में राहुल धोटे सर के जो है नवागत अबे जो है पदस्थापना भे ही बीते 7 दिन से लगातार जिला पंचायत में बैठक दर बैठक हो रही है और लगातार जो है जिला पंचायत सीधी के सब कार्य प्रणाली का समझे के प्रयास की जा अलग है। हम आगामी दिनन में सर से और जानकारी ले वो उनकर का कार्य योजना है, किंतु यह अबे बहुत जल्दबाजी हुई कि अन्य कार्य योजना के बारे में उनकर का विजन है सीधी कलाई के का बेहतर करे चाहते ओहू के बारे में हम जानकारी ले, किंतु अबे यदि यह मौका में कुछ पूछी थे तो वो जल्दबाजी हुई तो सीधी माँ कोरोना के तीसर लहर का लेके लोगन के अंदर जागरूकता नहीं है। तो हम सर से चाही थे कि आज बुखाती भोग के हमका मौका मिला है तो सर सीधी के जनता के लिए जागरूकता के लिए कुछ संदेश। मैं बस इतना कहूँगा कि आप सभी सतर्क रहें, सावधान रहें, मास्क का प्रयोग करें। जैसा कि आपने द्वितीय लहर में विभीषिका झेली है, आप सभी प्रभावित रहे हैं, तो सभी मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है और अधिक से अधिक टीकाकरण के लिए आ गया है। धन्यवाद सर। वैक्सीनेशन को लेकर गाँव में यदि कहा जाए जागरूकता की कमी देखी जा रही है, तो उसके लिए क्या कहेंगे सर कि गाँव में जो अफवाह होती है उस पर बहुत ज़्यादा उनका दिमाग जाता है, जबकि वास्तव में ये है कि टीका एक वरदान है। क्या कहेंगे सर इन अफवाहों को लेकर? जैसा आपने कहा है, वैक्सीनेशन आपको कराना चाहिए। एक जैसे हमारा भी वैक्सीनेशन हो चुका है, दोनों डोज लग चुके हैं, द्वितीय इसमें हम लोग हॉस्पिटल में भी रहे लेकिन संक्रमित नहीं हुए हैं। तो वैक्सीन से हॉस्पिटलाइजेशन का जो रेट होता है, प्रभावित होने का दर एकदम कम हो जाता है। अतः वैक्सीन ही एक आपका आप बोल सकते हो कि शील्ड है, एक आपको मजबूती प्रदान करती है और लड़ने में सहायक होती है, तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। धन्यवाद। निश्चित तौर पर हमारे साथ सीधी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो हैं राहुल धोटे सर हैं, उनके द्वारा साफ तौर में कहा गया है तीसर लहर में कौनों में की लापरवाही नहीं करे का है, वैक्सीन प्रॉपर जो है पहली डोज लग गया है, दूसरा डोज लगवाई और या कोरोना हल्के से बिल्कुल न ले। ऊर्जावान अधिकारी हमारे साथ हैं और हम कोशिश करब कि अगली बे उनकर अगले विजन का लेके सीधी के ग्राम पंचायतन के स्थिति का बेहतर कैसा की जा सकत है, हर मुद्दा में अपना तक बात पहुँचाओ। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद। प्रणाम।